दोस्तों यदि आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि आज मैं आप लोगों को तीन ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको क्रेडिट कार्ड के साथ नहीं करना है, यानी सीधा अवॉइड करना है। तो आप बोलोगे कि क्या यार, हम तो अपने क्रेडिट कार्ड के साथ ईच एंड एवरीथिंग हम एक्यूरेट करके कोई ऐसी चीजें नहीं करते जो हमारे कार्ड के ऊपर या हमारे सिबिल स्कोर पे या हमारे फाइनेंशियल हिस्ट्री के ऊपर उसका कोई असर पड़े, ऐसा सभी सोचते हैं। मैं भी ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग इन तीन चीजों को कर दो, तो भी मैं आप लोगों को ऐसा कंसिडर करता हूं कि कुछ एक परसेंटेज लोगों को शायद ये चीजें पता नहीं होगी, या पता होगी तो भी कभी कभी हो जाती है गलतियां, या इनके ऊपर क्या क्या इंप्लीमेंटेशन होता है, क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है स्टार्ट से लेकर आखिर तक विदाउट स्किप किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं विनोद डिजिटल इन्फ्लुएंसर। आज हम डिस्कस करने वाले क्रेडिट कार्ड के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो नहीं करनी है। तो सबसे पहले एक्टिविटी की बात करेंगे, एटीएम विड्रॉल। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हमारे पास ऐसी चीजें हो जाती है, ऐसी हमें परेशानी आती है कि हमें कभी कभी, शायद ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि होता ही है, एक्यूरेटली आप 100 में से एक आध रियल केस हो गए कि जिसमें ऐसा नौबत आई है कि कोई किसी ने क्रेडिट कार्ड से मनी विड्रॉल की, ओके। लेकिन कभी कभी ऐसी दिक्कतों का सामना आदमी को आ सकता है, तो आदमी सोचता है कि यार चलो क्रेडिट कार्ड से ही निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है क्या, यदि आप क्रेडिट कार्ड से मनी विड्रॉल करते हो तो उसके ऊपर आपको चार्जेस कितना लगता है और उसी के साथ साथ इंटरेस्ट कितना लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 200 रुपए, तो 199 रुपीज आपको प्रोसेसिंग फी लग जाती है, उसमें जीएसटी अलग से, और उसी के साथ साथ जितने दिन आप यूज करो यहाँ पे आप लोगों को कोई क्रेडिट फ्री का विंडो भी नहीं मिलती। यानी आप लोग सोचते होंगे 4 to 5 डेज का क्रेडिट फ्री रहेगा, नहीं दोस्तों, वहां पे आपको ईच एंड एवरी डे का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यानी कुल मिला के आप लोगों को यदि 10,000 रुपीज आप वहां से निकालते हो तो 600-700 रुपए के तकरीबन आप लोगों को वहां पे चार्जेस ही पे करना पड़ेगा। उससे अच्छा आपके पास तो बहुत ज्यादा रास्ते हैं, हमारे चैनल पे साथ जुड़े हो गए तो आपके पास बहुत ऐसे रास्ते हैं जो हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के साथ साथ बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के साथ आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के पैसे को फ्री में अपने बैंक अकाउंट में लेना है। दूसरा चीज वो बात करेंगे दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड है तो हमें आदत लग जाती है खर्चे करने की। मेरे ऊपर से बोल रहा हूं, मेरे पास 4-5 क्रेडिट कार्ड है, ज्यादा नहीं है लेकिन 4-5 भी बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, हम कभी सुपरमार्केट या कभी भी सुपरमार्केट गए या मॉल्स में गए, हम क्या बोलते हैं यार चलो ये चीज ले लेते हैं। यदि आप लोग सोचो अरे ईच एंड एवरीथिंग हम कार्ड से लेते हैं, या हमने बताया था आपको कि आपको कार्ड से कार्ड का यूज करना है, इस्तेमाल करना है, लेकिन किन चीजों में इसका इंपैक्ट हो सकता है। हम कार्ड से ईच एंड एवरीथिंग हम परचेस कर रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, उससे हम रिवार्ड्स अर्न कर रहे और उस रिवार्ड के थ्रू हम क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा रहे, ये हमने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे चीज उलट है, क्या होता है जब हम क्रेडिट कार्ड से पैसे पे कर रहे तो हमारे से हाथ से कोई पैसा नहीं जा रहा, ऐसा हमें फील होता है और हम क्या बोलते हैं यार चलो जाने दो, ले लेते 45 दिन में तो पैसे पे करना है, इस हिसाब से हमसे ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 30% या 35% तक ही आपको यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। इससे दो फायदे हो गए, एक आपका मैक्सिमम स्पेंड करते हो ना वो भी आपका बच जाएगा, और दूसरी चीज आपका सिबिल स्कोर कभी क्रेडिट कार्ड की वजह से डाउन नहीं होगा। आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ज्यादा कार्ड की लिमिट को स्पेंड करने से आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। यानी आप लोगों को मैक्स ऑफ 30% या 35% का ही क्रेडिट लिमिट को आपको यूज करना है, उससे ज्यादा किए तो आपका सिबिल डाउन होगा, इस चीज को ध्यान रखने का। नहीं देखिए, दिक्कत है उस समय आप कर सकते हो, एक आध महीने इधर उधर हुआ तो हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को अवॉइड करोगे वही सबसे अच्छा रहेगा। और तीसरी और आखिरी चीज है, कभी कभी क्या होता है क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है हम उसमें मिनिमम ड्यू को ही ज्यादा प्रिफेर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार चलो 45 डेज और बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज बताता हूं आपको, यहां पे क्या होता है, कभी कभी किसी को तो मिनिमम ड्यू का ही मैसेज आता है कि आपका मिनिमम ड्यू इतना है पे कर दो, जो फुल ड्यू है आप भी इग्नोर कर, आप बोलते हो चलो यार 45 डेज मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप मिनिमम ड्यू पे करते हो, जब से आपने ट्रांजेक्शन किया है तब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट फी, लेट फी, ये सब उसमें एड हो जाता है, वो सब इंक्लूड होकर आपको मिनिमम ड्यू आता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, कभी भी मिनिमम ड्यू पे नहीं करना है। हाँ आपके पास पैसे ही नहीं है तो कार्ड की लिमिट को ही यूज करके आप उसको उसका बिल पे कर दो, लेकिन मिनिमम ड्यू पे ही मत करना,
यदि आपके पास कार भी नहीं है तो ठीक है, ऐसा रियर केस में होगा एक आध बार, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30-35% से ज्यादा नहीं यूज करना है, एटीएम से विड्रॉल करना ही नहीं है, और लास्ट वाली है मिनिमम ड्यू कभी पे करना ही नहीं है। फुल ड्यू पे करो या उसको ईएमआई करवा लो, जैसे कि तुम्हारा बिल जनरेट हो जाता है उसके बाद आप कस्टमर केयर को कॉल करके उस चीज को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम ड्यू के चक्कर में मत पड़ना। तीन चीजें, अब एक बोनस चीज बोलूंगा क्या नहीं करना। दोस्तों क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को हम जब क्रेडिट कार्ड वाला जो एप्लीकेशन रहेगा किसी भी बैंक का, जैसे कि एक्सिस बैंक का, वहां पे आप लोगों को उसके ट्रांजैक्शन का डिटेल रहेगा, जो कैशलेस रहेगा यानी वाईफाई वाला जो ट्रांजैक्शन करेगा उसको मैक्सिमम आप 2000 तक ही रखना, वाईफाई वाला। कभी आपका कार्ड लॉस हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो जो भी फ्रॉडस्टर रहेगा, जिसको भी वो कार्ड मिलेगा, वो उसको 2000 से ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाएगा। उसी के साथ साथ इंटरनेशनली आपको कार्ड को ऑफ ही रखना है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हम, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन करते होंगे, तो हमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की दिक्कत ही नहीं रहेगी। डोमेस्टिक रहेगी उसमें आपको ऑनलाइन रखना है, ऑनलाइन वाले आप जो, यदि आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज उसको भी आप ऑफ करते हो, यानी आपको कार्ड की यूजेस को आपके हिसाब से मैनेज करना है। ये चार चीजें आपको ध्यान रखना है आपके क्रेडिट कार्ड के साथ। यदि आप लोग ये चीज करते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड, आपकी क्रेडिट हेल्थ और आपका सिविल स्कोर सब बेस्ट रहेगा, इससे प्रॉपर क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट बनती है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड बहुत लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड है तो गलत है, हाँ है, लेकिन किसके लिए? जिसको मैनेज नहीं होता, जिसको मनी मैनेजमेंट सिस्टम पता नहीं है, जिसको लगता है कि यार चलो क्रेडिट कार्ड मिल गया तो एक शॉपिंग के लिए हमें लाइसेंस मिल गया, लेकिन भाई उसको रिटर्न भी पे करना पड़ता है, तो इन चीजों का जिसको ज्ञान हो, यानी ये चीजें नहीं करना, ऐसा जिसको ज्ञान हो वो कभी अपना क्रेडिट कार्ड या अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, और वो कभी ये नहीं बोलेगा कि क्रेडिट कार्ड गलत है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड कुछ मायने में सही है, कुछ मायने में गलत है, अपने अपने तजुर्बा है, अपने अपने यूजेस करने के तरीके, आपको कैसा लगता है आप अपना तरीका कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्रेडिट कार्ड सही है या गलत, आपके कमेंट के ऊपर कल का वीडियो बनेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।